हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं जॉब्स टुडे। फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसा है कि रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट जो है वो इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और आपको बताएं कि ये जो है तो बहुत जल्द ही आने वाला, तो मैं इस वीडियो में इसके डेट के बारे में बात करने हो, जो रिजल्ट की डेट जो है वो आ चुकी है और कब रिलीज होगी तो उसके बारे में मैं इसमें बात करने हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्त जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी सब शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इंडिया टीवी के जो है मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक जो है, आपको बता दें कि ये जो है आरआरबी ग्रुप डी की रिजल्ट जो है वो 17 तारीख को रिलीज होने वाली थी, पर किसी भी कारणवश से जो है 13 तारीख के बाद। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा कि 13 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है ये अब जो डेट बदल दी गई। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये डेट कब की दी गई है। तो आप फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे कि पता है कि बताया गया था कि फरवरी के मध्य में जो है, यानी बीच के माह में जो है ये रिजल्ट की प्रकाशन होगी। आपको पता है कि इसमें करीब जो है 1.89 करोड़ लोगों ने जो है इसमें भाग लेके एग्ज़ाम दिए थे, और परीक्षा में जो है 1.17 करोड़ उम्मीदवारों ने भाग लिया था फ्रेंड्स। तो आप लोग को बता दें कि ये जो है नई दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो है ग्रुप डी के पदों पर परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के मध्य में जारी करेगा आरआरबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वह फरवरी के मध्य में जारी किया जाएगा। अभी रिजल्ट जारी करने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है, जल्द ही रिजल्ट जारी होने की तारीख से संबंधित एवं नोटिफिकेशन की जारी जो है आरआरबी के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि परीक्षा की का रिजल्ट जो है वह 17 फरवरी को जारी किया जाएगा। हाँ, हमने इस पर भी आरआरबी के अधिकारियों से जो है बात की, उन्होंने इस तरह की खबरों को नकार दिया है। उनका कहना है कि अभी रिजल्ट जारी होने में समय है, उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। आरआरबी अधिकारी ने कहा करीब 1.89 करोड़ लोगों ने परीक्षा के लिए जो है आवेदन किए थे, जबकि इस परीक्षा में जो है 1.17 करोड़ उम्मीदवारों ने ही सिर्फ भाग लिया था फ्रेंड्स। तो आप लोग को बताया कि इतनी बड़ी संख्या में जो है उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करना एक बड़ा काम है। हम नहीं चाहते कि रिजल्ट में कोई गलतियाँ हो, लेकिन अगर मध्य फरवरी के हिसाब से देखा जाए तो परीक्षा का रिजल्ट जो है 13 फरवरी के बाद जो है किसी भी दिन रिजल्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग को एक सही आंकड़ा मिल गया किस डेट को फ्रेंड्स ये जो है सो रिलीज होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।